गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था भारत के भौतिक प्रदेश, और भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अब तक 7 क्लास हो चुकी हैं। आज 8वीं क्लास है और अंतिम क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारी 7 क्लास जो हुई हैं वो आपने देखी होंगी, और अभी तक अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिए। जब आप ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इस YouTube चैनल पर देख लोगे, उसके बाद में आपको कभी भी भौतिक प्रदेश टॉपिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अभी आइए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था कल, पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में, और आज हम अध्ययन करेंगे पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में। तो देखिए मित्रों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं पहले हेडिंग लिख देते हैं, भारत का भौतिक या भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम अध्ययन करेंगे सेकंड नंबर पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। ये पार्ट किसका है? तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो हमारा भौतिक प्रदेश के अंतर्गत 4 नंबर का जो हेडिंग थी या प्रदेश है उसका पार्ट है ये पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो है मित्रों, इसका मैंने डायग्राम आपको कल भी बता दिया था, एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आपकी स्मृति में हो ना हो तो इससे और कन्फर्म हो जाएगा। तो ये बन गया भाई भारत। मैं समझता हूँ कि इन जो अब तक 7 क्लास हुई हैं, इन 7 क्लासों के अंतर्गत आप कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन मैप बनाना तो बहुत अच्छे से सीख ही गए होंगे। इसमें हमने जो पढ़ना था यहां से लेकर के और यहां तक, इसको अपन बोलते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। कौन सा तटवर्ती? तो पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहां पे एक नदी होती है जिसको बोलते हैं अपन स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से और यहां पे दक्षिण में यहां कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कहा जाता है। किसका? पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। मित्रों, यहां पे जो हमने अध्ययन किया था ये थे पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट। तो कहने का मतलब इस पूर्वी घाट और इस यहां पे जो बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, ये बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के जो बीच का भाग है ये भाग, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तो प्यारे मित्रों, इस पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश का जो निर्माण किया गया है, इनका निर्माण किसकी वजह से हुआ है? तो जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए गए हैं, उन नदियों के द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट्स अवसादों के कारण किसका निर्माण हुआ है? इन पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ है। किनके द्वारा निर्माण हुआ है? मैं यहाँ साथ साथ नोट कर देता हूँ कि निर्माण, तो निर्माण हुआ है नदियों
के द्वारा जमा किए गए अवसाद। तो जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए गए हैं, इन सेडिमेंट्स के द्वारा, अवसादों के द्वारा किन का निर्माण हुआ है? इन पूर्वी तटवर्ती मैदानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट लाइन अपन को याद रखनी है मित्रों कि जो पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश है, इनका विस्तार पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश की तुलना में अधिक पाया जाता है, यहाँ पे कम पाया जाता है। इस प्रकार से ये कम चौड़ाई के मैदान हैं। ये कौन से हैं? पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तो मैं बात करूं, जब नेक्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ये तो पूर्वी घाट था, इधर पश्चिमी घाट। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है और इसका ढाल इधर की तरफ मंद पाया जाता है। यहाँ पे मंद ढाल था और इधर था यहाँ का तेज ढाल। तो इस मंद ढाल के कारण अधिकतम नदियाँ इधर की ओर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं और यहाँ पे ढाल कम होने के कारण यहाँ पे अवसादों का जमा कर देती हैं। इसलिए ये पूर्वी तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है इनका विस्तार अधिक पाया जाता है कंपैरिजन पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेशों के तुलना में। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि विस्तार कि पूर्वी तटवर्ती मैदानों का विस्तार, या मैं लिख सकता हूँ पश्चिमी तटवर्ती मैदानों की तुलना में पूर्वी तटों का विस्तार अधिक पाया जाता है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट का विस्तार अधिक पाया जाता है और वो कारण है कि नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जो जमा किए गए हैं, जो अवसाद जमा किए गए हैं, उन अवसादों के कारण इसका निर्माण या अधिक चौड़ाई में पाया जाता है। किसका? पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश का निर्माण। इसके अलावा जो पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश है, तो पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। मुख्यतः जैसे दो भागों में बांटते हैं हम पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश को, और दो भागों में बांटते हैं इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला भाग है ए, उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। सेकंड जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, कहते हैं। मित्रों देखो, जो उत्तरी सरकार है, इस उत्तरी सरकार का विस्तार तो पाया जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके कोष्टक में विस्तार, और इसका जो विस्तार पाया जाता है उत्तरी सरकार का विस्तार पाया जाता है यहाँ स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के, और यहाँ आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो उत्तरी सरकार का विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के, और ये कृष्णा नदी के जो बीच का भाग है यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक, उसको तो हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। और कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर के यहाँ तक कन्याकुमारी तक, इसे हम बोलते हैं कौन सा? कोरोमंडल
तट। याद रह जाएगा मित्रों, उत्तरी सरकार का विस्तार कहां से कहां तक है? तो स्वर्ण रेखा नदी से कहां तक? तो कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहां से? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है उत्तरी सरकार। और इसका कोरोमंडल का कृष्णा के दक्षिण से लेकर, कृष्णा के दक्षिण से लेकर और कहां तक पाया जाता है? तो कन्याकुमारी तक पाया जाता है। कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है मित्रों। किसका? कोरोमंडल तट का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है कि इसे विभिन्न प्रादेशिक नामों से भी जाना जाता है या प्रादेशिक आधार पर भी इसका डिवाइडेशन किया जाता है। तो प्रादेशिक आधार पर इसका डिवाइडेशन किया जाता है, जैसे एक मिनट मित्रों, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, इसे विभिन्न प्रादेशिक नामों से भी जाना जाता है पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश को। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको अपन बोलते हैं उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये जो उत्कल प्लेन है, इस उत्कल प्लेन का जो विस्तार पाया जाता है, तो इसका विस्तार मुख्यतः उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है मित्रों? तो मुख्यतः इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। और उड़ीसा राज्य में इस उत्कल प्लेन को, जो ये मैदान जो पाए जाते हैं उत्कल प्लेन, यहाँ पे एक नदी बहती है महानदी। तो महानदी के द्वारा इन मैदानी प्रदेशों का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? तो मैदानी प्रदेशों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है उत्कल प्लेन के मैदानी प्रदेशों का? तो ये निर्माण हुआ है महानदी डेल्टा के कारण हुआ है। कौन से डेल्टा? महानदी डेल्टा के कारण का निर्माण हुआ है। इसके अलावा उत्कल प्लेनों में या उड़ीसा राज्य में यहाँ पे एक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लैगून कहते हैं। यहाँ क्या पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और ये जो खारे पानी की झीलें मिलती हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में मित्रों इनको कहा जाता है लैगून कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इनको लैगून कहा जाता है। और यहाँ पे जो लैगून पाई जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं कौन सी, बताइए? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील पाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ लैगून जो पाई जाती है, लैगून, उसको कौन सी है? चिल्का झील पाई जाती है, जो कैसी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, वो कौन से प्लेन में है? उत्कल प्लेन के अंतर्गत स्थित है। और उत्कल प्लेनों का निर्माण किसकी वजह से हुआ है? महानदी डेल्टा के कारण हुआ है, या महानदी के द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए गए हैं, जो अवसाद जमा किए गए हैं, उन अवसादों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, उत्कल प्लेनों का निर्माण। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर हम पढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ मित्रों ऊपर से मैं। तो सेकंड नंबर पे अब हमको पढ़ना है आंध्रा के मैदान या आंध्र प्रदेश के मैदान। तो सेकंड नंबर पे आप हेडिंग लिखिए, सेकंड नंबर लिखे आंध्र प्रदेश के मैदान। जो आंध्र प्रदेश के मैदान है, मैं फैन बंद कर देता हूँ। तो जो आंध्र प्रदेश के मैदान पाए जाते हैं, ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? नाम से विदित हो रहा है कि ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं।
इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तो आंध्रा के मैदान। तो कहाँ पाए जाते हैं ये, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि जो इन मैदानों का जो निर्माण किया गया है, तो इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी प्लस कृष्णा नदी, कृष्णा नदी दोनों के डेल्टा के कारण हुआ है, कारण हुआ है। ये दोनों के द्वारा जो डेल्टाई क्षेत्र विकसित किया गया है, उस डेल्टाई क्षेत्र के कारण किसका निर्माण हुआ है, आंध्रा के मैदानों का निर्माण हुआ है। पहले जो मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम उत्तरी सरकार या उत्कल प्लेन का, ये यहाँ पे ओडिशा राज्य में पाए जाते हैं। दूसरे मैदान पाए जाते हैं जिनको हमने आंध्रा के मैदान कहा, ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। आंध्र और लास्ट में जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। तो ये आंध्रा में पाए जाते हैं, इनका निर्माण कौन कौन सी नदियों के द्वारा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के द्वारा, जो सेडिमेंट्स जमा किए गए उसके द्वारा। इसके अलावा उनके जो डेल्टाई क्षेत्र है उसके द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, आंध्रा के मैदानों का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर भी जो लैगून पाई जाती है, यहाँ पर भी लैगून पाई जाती है, लैगून का मतलब खारे पानी की झील, तो ये जो लैगून पाई जाती है उसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील। तो मित्रों याद रखना है, पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश के जो पार्ट है वो आंध्रा के मैदानों के अंतर्गत कौन सी झील पाई जाती है, पुलिकट झील पाई जाती है। जबकि उत्कल प्लेन में या उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है, तो चिल्का झील पाई जाती है, जो खारे पानी की दक्षिण भारत की, यस दक्षिण भारत की, पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में के यहाँ मैदानों में एक चीज़ और अपन को याद रखनी है कि जो श्रीहरिकोटा है, जो वो यहाँ पर ही पाया जाता है, श्री हरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। तो श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, जो केंद्र है, वो कहाँ पाया जाता है, इन आंध्रा के मैदानों के अंतर्गत पाया जाता है। और नेक्स्ट सबसे आपको याद रखना है जो है तमिलनाडु के मैदान, कौन सा है, तमिलनाडु के मैदान। और तमिलनाडु के मैदानों को मैं यहाँ लिखूँगा, तो ये तमिलनाडु के मैदान है, थर्ड नंबर में हेडिंग लिख के तमिलनाडु के मैदान, तमिलनाडु के मैदान। ये जो तमिलनाडु के मैदान हैं, तमिलनाडु के मैदान मुख्यतः कहाँ पर स्थित हैं, ये तो तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। जो तमिलनाडु के मैदान हैं इनका जो निर्माण किया गया है मित्रों, तो इनका निर्माण कौन सी नदी, कृष्णा ऊपर आ गई, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी डेल्टा के कारण किनका निर्माण हुआ है, इन तमिलनाडु के मैदानों का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी के डेल्टा के कारण, तो कावेरी नदी डेल्टा के कारण इनका निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट अपन को याद रखना है कि दक्षिण भारत का जो अन्न का कटोरा कहा जाता है, किन मैदानों को कहा जाता है, तमिलनाडु के मैदानों को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अन्न का उत्पादन होता है, तो मैं लिख देता हूँ दक्षिण भारत, भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा किन मैदानों को कहा जाता है, तो तमिलनाडु के मैदानों को दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, तमिलनाडु के मैदानों को। तो ये हो गया आपका पश्चिमी, ये सॉरी पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तो अगर आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखी हुई हैं, तो ले लीजिए आप। नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे द्वीपीय समूह प्रदेश का, और द्वीपीय समूह प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
और दूसरा पाया जाता है लक्षद्वीप समूह। मैं समझता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैं मिटाता हूँ। एक बार आप मेरे साथ रिवीजन करोगे, सबसे पहले हमने अध्ययन किया फोर्थ नंबर पे जो पार्ट आता है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश और दूसरा है पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। पश्चिमी तटवर्ती मैदानी प्रदेश हम कल की क्लास में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। इन पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेशों का निर्माण किसकी वजह से हुआ है, तो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से किनका निर्माण हुआ है, पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा इनका विस्तार कहाँ से है, तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान की तुलना में पूर्वी तटवर्ती मैदान का जो विस्तार है वो अधिक पाया जाता है, यानी पश्चिम तटवर्ती मैदान का विस्तार कम है और पूर्वी तटवर्ती मैदान का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। मैं समझता हूँ मित्रों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्वी तटवर्ती है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार और एक होता है कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार का विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के और यहाँ कृष्णा नदी तक आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है उत्तरी सरकार, और नीचे होता है कोरोमंडल तट यानी कृष्णा के दक्षिण से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक कौन सा तट पाया जाता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर की जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट ग्रेड की उसके अंतर्गत पूछा गया था, तो आपको मैं समझता हूँ याद हो रहा होगा। इसका विस्तार कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है और नेक्स्ट इसे प्रादेशिक आधार पर, किस आधार पर, प्रादेशिक आधार पर तो प्रादेशिक आधार पर इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला उत्कल प्लेन जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी के द्वारा जो डेल्टाई क्षेत्र है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और खारे पानी की यहाँ पे झील पाई जाती है जिन्हें स्थानीय भाषा में लैगून कहा जाता है, और यहाँ पे जो लैगून पाई जाती है वो चिल्का झील पाई जाती है, और ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट मित्रों सेकंड नंबर पे जिसका हमने अध्ययन किया वो था आंध्र प्रदेश के मैदान, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इनका निर्माण गोदावरी नदी एवं कृष्णा नदी दोनों के डेल्टा की वजह से हुआ है, ये दोनों के द्वारा जो सेडिमेंट्स जमा किए गए, जो अवसाद जमा किए गए उनके द्वारा किसका निर्माण हुआ है, आंध्रा के मैदानों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी लैगून झील पाई जाती है जिसका नाम है पुलिकट झील, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी झील, पुलिकट झील। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है या सेंटर है वो कहाँ पर पाया जाता है, इन आंध्रा के मैदानों के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा सबसे अंतिम थर्ड और लास्ट जो बचा है जिसे हम कह सकते हैं तमिलनाडु के मैदान, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इनका निर्माण कावेरी नदी डेल्टा के कारण हुआ है और दक्षिण भारत में अन्न का कटोरा इसे कहा जाता है, तो तमिलनाडु के मैदानों को कहा जाता है। तो ये हो गया मित्रों हमारा पूर्वी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे द्वीपीय समूह प्रदेश, पांच नंबर डालोगे, क्योंकि जो भौतिक प्रदेश हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला था उत्तरी तटवर्ती मैदानी प्रदेश, सॉरी पहला था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सेकेंड नंबर पर था उत्तरी मैदानी प्रदेश, थर्ड नंबर पर हमने अध्ययन किया प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और फोर्थ नंबर पे जो अध्ययन किया था जिसका नाम है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, और सबसे अंत में लास्ट जो बचा है जिसे हम कह सकते हैं कौन सा है, द्वीपीय समूह प्रदेश। तो मित्रों आप नेक्स्ट हेडिंग लिख ली होगी मैं समझता हूँ, द्वीपीय समूह प्रदेश के अंतर्गत दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। इन द्वीपों का निर्माण अलग अलग से हुआ है, जैसे ज्वालामुखी के कारण भी हुआ है और कुछ प्रवाल भित्तियों के कारण भी इनका निर्माण हुआ है। प्रवाल भित्ति मीन्स कोरल रीफ के कारण भी इनका निर्माण हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये लिख लिया होगा आपने, मैं लिख देता हूँ फाइव नंबर डाल के, क्या नाम है, द्वीपीय समूह प्रदेश। ये जो द्वीपीय समूह प्रदेश है ये कहाँ पाया जाता है,
मैं एक भारत का नक्शा बनाता हूँ, आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। जब मैं आपको नक्शा बनाने के लिए बोलता हूँ तो आप एक रफ लेके बैठा करो ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर सको। तो कम से कम जो भारत में जो हमारे सैनिक हैं आए दिन पाकिस्तान बॉर्डर चीन बॉर्डर पे रात भर इतनी गर्मी में इतनी सर्दी में वहाँ पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और इस देश के लिए बलिदान हो रहे हैं, तो हमारी देशवासियों की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि ज़्यादा नहीं तो देश के प्रति इतना लगाव तो हो कि हमारे को हमारे देश का डायग्राम तो बनाना आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपने प्रैक्टिस की होगी और नहीं है तो और प्रैक्टिस करोगे। तो नेक्स्ट है द्वीपीय समूह प्रदेश। इसमें दो द्वीप समूह पाए जाते हैं मित्रों, एक तो यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और जो दूसरे यहाँ पे पाए जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह हैं तो भारत के अंतर्गत दो प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक पहला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो पहले आप हेडिंग लिखोगे, पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो जो मित्रों अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे 572 द्वीपों का समूह है। एक कितने द्वीप पाए जाते हैं? 572 द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। और ये सब द्वीप कैसे हैं? तो ये ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। तो ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है कौन से द्वीप समूह? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कितने द्वीप पाए जाते हैं यहाँ पे? 572 द्वीप पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी द्वीपों का उदाहरण है। इसके अलावा अंडमान निकोबार को इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक इसे अंडमान और दक्षिण में होता है निकोबार। तो कितने डिग्री? यहाँ पे एक चैनल होता है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल या नॉर्थ अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार को पृथक किया जाता है। तो क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है इसको, अंडमान को निकोबार से? तो 10 डिग्री अक्षांश या 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको अंडमान के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या अंडमान में मुख्यतः 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं मित्रों। कितने द्वीप पाए जाते हैं? 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। इस प्रकार से 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर है उसको तो हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ अंडमान। दूसरे को मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। नेक्स्ट होता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। और मित्रों सबसे नीचे होता है उसको अपन बोलते हैं लघु अंडमान। देखो आपको इसमें याद रखना है, मुख्यतः अंडमान के अंतर्गत 4 द्वीप समूह पाए जाते हैं और 4 बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं। वैसे छोटे तो काफ़ी है लेकिन मुख्यतः 4 पाए जाते हैं। इनमें अपन को सबसे याद रखना है सबसे ऊपर कौन सा है? नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? लघु अंडमान। दूसरी चीज़ पहले आपको याद रखनी है कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान को और निकोबार को अलग किया जाता है। तो याद रह जाएगा, कई बार पिछली RAS के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कितने डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार को पृथक किया जाता है। तो मित्रों याद रखना है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा, नॉर्थ अक्षांश के द्वारा अंडमान को निकोबार से अलग किया जाता है। अब देखिए सबसे पहली बात,
अंडमान निकोबार को जो अलग किया जाता है सबसे, इससे जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो इनकी दोनों की राजधानी कौन सी है? अंडमान की निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पाई जाती है? इस नॉर्थ अंडमान पे पाई जाती है, उसका नाम है सैंडल, सैडल चोटी। क्या नाम है? सैडल चोटी है। ये जो सैडल चोटी है ये 737 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। मित्रों मैं समझता हूँ किशोर अवस्था के दौरान ये वर्ड तो आपने बहुत ही सुना होगा, अब तो पता नहीं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, लेकिन किशोर अवस्था के दौरान जरूर सुना होगा सैडल, सैंडल सुना है ना, तो सैंडल से ही बन जाता है, अपन को याद रखना है सैंडल, याद रख लेना। और इस चोटी का नाम क्या है? सैडल चोटी। सैडल चोटी कहाँ पर स्थित है? इस अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी, और ये जो सैडल चोटी है 737 मीटर ऊंची है, और ये कहाँ पर स्थित है? इस नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा चोटी आप याद रखना, चोटी सबसे ऊपर तो ऊपर ही स्थित होगी, नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है किसका? तो वो है मध्य अंडमान द्वीप। इसके क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ा द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान द्वीप है। एक मिनट मित्रों मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो सबसे बड़ा द्वीप आपको याद रखना है कौन सा है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट याद रखनी है कि जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, मैंने अभी आपको बताई पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर यहाँ दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, ये राजधानी कहाँ स्थित है मित्रों? तो इस अंडमान निकोबार द्वीप में साउथ अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस लघु अंडमान को साउथ अंडमान से ये जो अलग करता है इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? डंकन पैसेज के द्वारा किस किस को अलग किया जाता है? साउथ अंडमान को लघु अंडमान से अगर अलग किया जाता है तो वो है डंकन पैसेज के द्वारा अलग किया जाता है। इसके अलावा इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे मुख्यतः दो ज्वालामुखी हैं भारत के अंतर्गत। कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं? पहला है वो तो है नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या नाम है पहले का? नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है। और एक है मित्रों बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ये जो पाए जाते हैं ये नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये मित्रों इस उत्तरी अंडमान द्वीप पर पाया जाता है। कौन से पे? नॉर्थ अंडमान पर, नॉर्थ अंडमान पर पाया जाता है। जबकि बैरन जो ज्वालामुखी है ये मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन सा ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो ये अपन को याद रखना था अंडमान के संदर्भ में। नेक्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड नंबर निकोबार, निकोबार। मित्रों देखो निकोबार जो द्वीप समूह है, पहला तो आपको याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में स्थित है। किसके? 10 डिग्री चैनल के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, इस दक्षिणी भाग के दक्षिण में स्थित है, सॉरी 10 डिग्री चैनल के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे भी तीन द्वीप पाए जाते हैं मुख्यतः, और वो कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं? तो सबसे बड़े तीन द्वीप हैं मुख्यतः, पहला जो द्वीप है, इसके अलावा छोटे तो बहुत ही पाए जाते हैं, ढेर सारे हैं। मुख्यतः जो बड़ा है यहाँ पर, जैसे एक तो होता है
कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। नेक्स्ट है लघु निकोबार, और सबसे नीचे होता है ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार मुख्यतः तीन हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लघु निकोबार पाए जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है, हमने बहुत बार रिपीट किया और पहले भी आपने सुना होगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ पर है। इसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, तो किसका नाम है, द्वीप का नाम है। और जो पॉइंट पाया जाता है इसे अपन क्या बोलते हैं, तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कहां पर स्थित है, इस निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये कितने डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार में जनजातियां पाई जाती हैं। तो जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे तो एक तो अंडमानी, अंडमान द्वीप में पाई जाती है वो अंडमानी, और निकोबार में पाई जाती है वो निकोबारी, निकोबारी, अंडमानी, निकोबारी। इसके अलावा ओंग, इसके अलावा जरावो, जरावो, और पाई जाती है सेंट लिज। तो कई जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी, अंडमानी, निकोबारी, ओंग, जरावो, ये सेंट लिज, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद हो गया होगा। एक बार मैं पुनः रिविजन करवा देता हूँ कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत मुख्यतः ये भारत के इधर पूर्वी भाग में स्थित है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत स्थित 572 द्वीपों का एक समूह है। कितने द्वीपों का, 572 द्वीपों का जो समूह है, जिसे हम किस नाम से जान जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इन द्वीप समूहों का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण किसका निर्माण हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण। इसके अलावा मित्रों आपको मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ, याद आपको करना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को जो पृथक किया जाता है तो कितने डिग्री चैनल के द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा या 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा इन दोनों को पृथक किया जाता है। RAS के एग्जाम में ये पूछा गया था कि अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है, तो उसमें 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 10 डिग्री साउथ अक्षांश, 9 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे ऑप्शन थे। तो आपको याद रखना है कि अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इस 10 डिग्री के जो उत्तर में वो अंडमान द्वीप समूह और 10 डिग्री के दक्षिण में वो निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह है, इस अंडमान द्वीप समूह में मुख्यतः 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। सबसे जो उत्तर में है वो नॉर्थ अंडमान, सेकंड मध्य अंडमान, फिर लघु अंडमान, सॉरी साउथ अंडमान, और सबसे अंत में होता है लघु अंडमान द्वीप समूह। इसके अलावा इस अंडमान, नॉर्थ अंडमान द्वीप पर या अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल चोटी। आपको याद रखना, जैसे सैंडल बहुत सुना होगा किशोरावस्था के दौरान, सैंडल तो मैं मानता हूँ कि हर ने सुना ही होगा, और अगर आजकल तो पता नहीं कि वो सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस सैंडल से आपको याद रखना है सैडल। तो ये जो सैडल चोटी है, वैसे भी आपको नॉर्थ चोटी है तो इसका मतलब सबसे ऊपर ही है, तो नॉर्थ अंडमान द्वीप पर है सैडल चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर ऊंची है। इसके अलावा ये जो मिडिल अंडमान है या मध्य अंडमान है, ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, मध्य अंडमान द्वीप हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट साउथ अंडमान द्वीप आता है, ये साउथ अंडमान द्वीप अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, क्या नाम है, पोर्ट विलियर।
आपको याद रखना कि ये पोर्ट विलेयर कहाँ स्थित है मित्रों, ये साउथ अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट विलेयर। इसके अलावा ये लघु अंडमान आता है, नाम से ही विदित हो रहा है कि लघु अंडमान, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा है ये, तो लघु अंडमान है। और अंडमान को निकोबार से तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा, और साउथ अंडमान को लघु अंडमान के द्वारा या किसके द्वारा, तो डंकन पैसेज के द्वारा अलग किया जाता है। साउथ अंडमान को लघु अंडमान से किसके द्वारा, डंकन पैसेज के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना था। इसके अलावा मैंने बताया निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में भी मुख्य तीन बड़े पॉइंट हैं या तीन बड़े द्वीप हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार के दक्षिण में सबसे एक पॉइंट है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है इसके ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी, निकोबारी, ओंग, सेंटलिज और जरावो। तो ये आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे लक्षद्वीप समूह, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बी नंबर पर आपको लिखना है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। मित्रों ये आभारी भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत सबसे लास्ट हेडिंग है और लास्ट टॉपिक है, कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। इसके बाद में भारत का भौतिक प्रदेश या जो क्षेत्र है या जो टॉपिक है हमारा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लक्षद्वीप समूह में याद रखना है कि यहाँ पर कितने द्वीप, 36 द्वीपों का समूह है भाई, कितने द्वीपों का, 36 द्वीपों का यहाँ पे ये समूह है, कौन सा, लक्षद्वीप समूह। और जो इनका निर्माण हुआ है, तो इनका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, तो इनका निर्माण प्रवाल भित्तियों के कारण हुआ है, प्रवाल भित्तियों से हुआ है, या हमारे अंग्रेजी की भाषा में बोले तो इसे हम कहते हैं कोरल रीफ। किसके कारण हुआ है, कोरल रीफ के कारण हुआ है। तो कोरल रीफ कहें या प्रवाल भित्तियों के कारण ही हुआ है, या मूंगा द्वीप का उदाहरण है, तो आपको याद रखना कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा इसे भी हम कई पार्टों में डिवाइड करते हैं, मुख्यतः जैसे तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं, सबसे ऊपर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। नेक्स्ट है कैन्नौर द्वीप, और सबसे लास्ट में पाया जाता है जिसको बोलते हैं मिनीकॉय द्वीप। यहाँ मुख्यतः तीन बड़े द्वीप हैं और जिसका नाम है अमीनी द्वीप, कैन्नौर द्वीप और मिनीकॉय द्वीप। इसके अलावा याद रखना है कि जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, लक्षद्वीप की जो राजधानी है, राजधानी क्या है बताओ, राजधानी आपको याद आ गया होगा तो वो है कवरत्ती। क्या है इसकी राजधानी, ये जो कवरत्ती है ये कहाँ पर स्थित है, इस कैन्नौर द्वीप पर स्थित है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कवरत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती कहाँ पर स्थित है, राजधानी। तो मित्रों राजधानी कहाँ स्थित है, इस कैन्नौर द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा मिनीकॉय द्वीप दक्षिण में पाया जाता है, और इस मिनीकॉय को या हम कह सकते हैं लक्षद्वीप को, इसके नीचे यहाँ पे दूसरा देश पाया जाता है जिसका नाम है मालदीव। तो याद रखना है कि मिनीकॉय को मालदीव से कितने डिग्री अक्षांश के द्वारा, तो 8 डिग्री अक्षांश या 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है। तो याद रखना है लक्षद्वीप को मालदीव से कितने डिग्री अक्षांश के द्वारा, 8 डिग्री अक्षांश के द्वारा पृथक किया जाता है, या हम कह सकते हैं मिनीकॉय को मालदीव से कितने डिग्री अक्षांश के द्वारा पृथक किया जाता है, तो मित्रों 8 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, नेक्स्ट यहाँ से दूसरी लाइन आ जाएगी जिसको हम कह सकते हैं कि कैन्नौर द्वीप को मिनीकॉय द्वीप से, या कवरत्ती को, राजधानी को मिनीकॉय द्वीप से कितने डिग्री के द्वारा, तो 9 डिग्री नॉर्थ
अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है। कितने डिग्री? 9 अक्षांश। दो पॉइंट हो गए। पहला तो हो गया कि 9 डिग्री अक्षांश के द्वारा तो कवरत्ती को या कैन्नौर द्वीप में जो कवरत्ती राजधानी है उसको मिनिकॉय द्वीप से अलग किया जाता है। सेकंड पॉइंट था कि मिनिकॉय द्वीप को मालद्वीप से किसके द्वारा, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है। इसके अलावा मिनिकॉय को कवरत्ती से तो ये 11 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है, अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है। इसके अलावा इस लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रंस। एंड्रेसन ये एंड्रेसन द्वीप है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, यानी लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है तो वो कौन सा है? एंडरसन। तो ये हमको याद रखना है लक्षद्वीप के बारे में। मैं समझता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मैं फुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वे लाइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।